कमाल वाद तटरक्षक कादून सूचित करत ये ताहे समुद्रा वादल ये नाची सख्या ताहे तारी सरवारी किनारियावा तमें भारतीय तटरक्षक बतावे चाहे दरिया में तूफान आए चाहे तुम्हें किनारा पर दावी जाओ। अभी जो तूफ़ान के बारे में हम लोग को गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन जो देती है कि आप मच्छी मारे आप तूफ़ान आने वाला है तो आप अंदर मत जाइए, बीच समुंदर में मत जाइए, ये हमको कम से कम गवर्नमेंट 3-4 दिन पहले ही इन्फॉर्मेशन दे देती है। उसके लिए हम लोग को खुद को अलर्ट रहना पड़ता है। हमारे जो मच्छी मारे है जो 12 नॉटिकल 10 नॉटिकल के हिसाब से जाते तो वो लोग भी अलर्ट रहते हैं। हम लोग एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देते कि ऐसे ऐसा तूफ़ान आने वाला है, ऐसे ऐसा बात है, तो हम लोग उस तरीके से हम लोग ये बात बता देते हर किसी को। और फिर उस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो बोट है फिशिंग का वो भी हम लोग ऊपर ले लेते, मतलब किनारे पे ले लेते, सुक्के पे ले लेते। तो उसके लिए कैसा मतलब कि तूफान अगर आता है अचानक में तो उस टाइम पे कोई पब्लिक भी आती नहीं ना, कोई भागदौड़ करने आते, तो उसके लिए हम लोग को पहले ही अलर्ट रहना पड़ता है। Southwest of Panjim, 670 km south-southwest of Mumbai and 900 km south-southwest of Surat, and this is very likely to intensify into a deep depression over the same area during next 12 hours and further intensify into a cyclonic storm over East Central Arabian Sea during subsequent 24 hours. This system is likely to move northwards and further recurve north-northeastwards and cross near to Maharashtra, North Maharashtra and South Gujarat on 3rd June evening.